साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में बॉल टेम्परिंग के मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर लाइफ टाइम बैन यानी आजीवन प्रतिबंध लग सकता है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस बात को स्वीकार किया कि जो काम कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने मैच के दौरान किया उस बात की जानकारी उनको और टीम के बाकी सीनियर खिलाड़ियों को थी। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के व्यवहार की संहिता के तहत स्मिथ और वार्नर को आजीवन प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है। जानकारी मिली है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफ इंटीग्रिटी आयन रॉय और टीम परफॉर्मेंस मैनेजर पैट हॉवर्ड ने दक्षिण अफ्रीका जाकर स्मिथ, वार्नर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और कोच डेरन लेहमन से चीटिंग स्कैंडल के संबंध में जांच के तौर पर इंटरव्यू किया है। बता दें कि बॉल टेम्परिंग के कारण स्मिथ पर एक टेस्ट का बैन और मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। इस पूरे मामले पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या कदम उठाती है और इन खिलाड़ियों पर क्या एक्शन लिए जाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।